दोस्तों अगर आप YouTube पर जल्दी से ग्रो होकर जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है शॉर्ट्स चैनल बना लीजिए, शॉर्ट्स वीडियो बनाना स्टार्ट करिए और यहां से पैसा कमाना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन शॉर्ट्स वीडियो बनाने से पहले आपको एक शॉर्ट्स चैनल बनाना पड़ता है और शॉर्ट्स चैनल वो भी एक सही तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों चैनल बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब के एल्गोरिथम को यह पता रहे कि आपका जो चैनल है वो शॉर्ट्स का है, आपका जो चैनल है वो लॉन्ग का है। जब उसको सही पता चले कि हाँ ये शॉर्ट्स का चैनल है, तभी आपके शॉर्ट्स वीडियो को शॉर्ट्स फीड में भेजेगा और जब शॉर्ट्स फीड में आपका वीडियो जाने लगेगा तो जाहिर सी बात है कंटेंट अच्छा रहा तो वायरल चला जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि YouTube को पता कैसे चलेगा कि ये शॉर्ट्स का चैनल है, ये लॉन्ग का चैनल है। तो भैया उसके लिए आपको कुछ जरूरी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं जब आप अपना शॉर्ट्स चैनल क्रिएट करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शॉर्ट्स चैनल आखिर कैसे आप क्रिएट करेंगे, स्टार्टिंग से क्या क्या सेटिंग्स होती हैं जो आपको एक सही तरीके से करना है, जिससे जब आप अपना सही कंटेंट बनाकर वीडियो अपलोड करें तो आपका वीडियो वायरल चला जाए और आप कम टाइम में पैसा कमाना स्टार्ट कर दें। अब जिसको मेरे बारे में नहीं पता, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों क्रिएटर हूं। ये पीछे लगे हुए प्ले बटन मेरे शॉर्ट्स के ही हैं। तो मैं एक सही तरीके से अपने शॉर्ट्स चैनल को जब बनाकर काम किया तभी मेरा वायरल गया। तो मैं आपको आज पूरा ए टू जेड मोबाइल में बताने वाला हूं, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो मोबाइल से ही चैनल बनाते हैं। तो मोबाइल में मैं आपको पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके चैनल कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या सेटिंग्स करनी है, सारा कुछ आपको ए टू जेड डिटेल में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा भले ही होगा लेकिन आपको ए टू जेड नॉलेज दे देगा, जिससे आपका एक सही शॉर्ट चैनल क्रिएट हो जाएगा और सही चैनल बन गया तो फिर सही कॉन्टेंट डालकर आप वायरल कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो और सारा कुछ मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ एकदम ए टू जेड एक एक स्टेप आपको बता देता हूं। उसके पहले अगर अभी तक इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो अपने भाई के लिए एक काम कर दीजिए। क्या करना है, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिख रहा है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट लेकर आता हूं जिसे अगर आप डेली देखेंगे और डेली फॉलो करेंगे तो आप यूट्यूब जर्नी में बहुत जल्दी से ग्रो होकर आप भी यूट्यूब से बहुत सारा पैसा कमा रहे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके एक एक स्टेप एक एक सेटिंग बता देता हूं। दोस्तों मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है, मैं YouTube के अंदर आ चुका हूं। तो भैया सबसे पहला स्टेप है शॉर्ट्स चैनल बनाने के लिए, आप एकदम न्यू एकदम फ्रेश अपना जीमेल आईडी बना लीजिए। ईमेल आईडी एकदम आप अपना फ्रेश बना लीजिए, एकदम नया नया। ईमेल आईडी कैसे बनाना है आप वीडियो जाकर देखकर ईमेल आईडी बना लीजिए, या फिर आपके पास पहले से अगर ईमेल आईडी है तो उस पर भी आप अपना शॉर्ट्स चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एक फ्रेश ईमेल आईडी बना रखा है, अब आगे का स्टेप क्या है, कैसे चैनल क्रिएट करना है मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो उसके लिए आपको यहां ऊपर वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, यहां पर मैं चला जाता हूं, इस पर मैं क्लिक करूंगा योर चैनल पर। मैं योर चैनल पर क्लिक करता हूं तो यहां पर अभी मेरा चैनल क्रिएट नहीं हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे यहां पर पिक्चर्स जो लगाना है वो पिक्चर में लगा दूं, जो भी अपने चैनल का लोगो लगाना है, और इसके बाद मैं अपना नाम डाल दूं और इसके बाद हैंडल्स डाल दूं। तो ये मेरा यहां पर क्रिएट चैनल करते ही चैनल क्रिएट हो जाएगा। तो मैं चलता हूं अपने चैनल का नाम डालने। तो भैया मैं यहां पर अपने चैनल का नाम डाल देता हूं फैक्ट संसार। मेरा चैनल का नाम है फैक्ट संसार, मेरे चैनल का नाम फैक्ट संसार है। मैंने इसे लिख लिया और इसके बाद मैंने यहां पर सेव कर लिया। मैंने फैक्ट संसार अपने चैनल का नाम यहां पर सेव कर लिया। अब यहां पर हैंडल आ रहा है तो अपना हैंडल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं फैक्ट संसार यहां पर अपना हैंडल लेना चाहूं और इसे मैं सेव करूं तो आप देख सकते हैं फैक्ट संसार ऑलरेडी कोई ले चुका है। तो मैं यहां पर फैक्ट संसार 01 अगर मैं करता हूं और सेव करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं मुझे फैक्ट संसार 01 हैंडल मिल चुका है। तो आपको हैंडल यहीं से सिलेक्ट करना है जब आप चैनल क्रिएट करेंगे। अब आपके चैनल के नेम के हिसाब से भी हैंडल मिल जाएगा अगर आपका यूनिक नेम है। अफेक्ट संसार मैंने ऐसे ही लिख लिया। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको नाम रखना है अपने चैनल का YouTube पर जाकर सर्च कर लेना है, देखना है कि उस चैनल उस नाम का कोई बहुत बड़ा चैनल तो पहले से नहीं क्रिएट है। अब जैसे भैया कैरी मिनाटी नाम का चैनल है, आपने कैरी मिनाटी नाम रख लिया तो आपका चैनल कभी सर्च में नहीं आएगा और आपका वीडियो उतना ज्यादा रैंक नहीं करेगा। तो आपको हमेशा यूनिक नेम रखना है। अगर आप यूनिक नेम रखेंगे अपने चैनल का तो आपको हैंडल भी तुरंत उसी नाम का मिल जाएगा। जैसे मुझे 01 लगाना पड़ा, अब मैंने इसका नाम पहले से सर्च किया नहीं था, मैंने ऐसे ही फैक्ट संसार रख दिया तो इसलिए मुझे 01 लगाना पड़ा, क्योंकि थोड़ा और कुछ लेना पड़ेगा क्योंकि ये हैंडल पहले ऑलरेडी किसी ने ले लिया है। तो इसलिए यहां पर आपको यूनिक नेम रखेंगे तो आपको उसी नाम का हैंडल मिल जाएगा। जैसे मेरे आप चैनल का टिकटॉक भी संजीव देख रहे हैं तो इसका मेरा हैंडल यही सेम है, टिकटॉक भी संजीव। तो यूनिक नेम आपको रखना है, जो नाम का चैनल यूट्यूब पर ऐसा ना हो कोई कि भैया उस पर 1,10,000 20,000 सब्सक्राइबर हो। हां ऐसे है कि हां 2-4 बना हुआ है, कोई सब्सक्राइबर नहीं है,
चलेगा, लेकिन जिस पर बड़े ज्यादा सब्सक्राइबर ना हो, बड़ा चैनल ना हो, वही नाम आपको रखना है। तो कि यूनिक नाम रखकर यहां पर अपने नाम में डाल देना है, और हैंडल में जाकर जो आपको हैंडल रखना है वो हैंडल डालकर यहां पर मैंने सेव कर लिया है। यहां पर मैं सिंपली क्रिएट चैनल पर क्लिक कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, मेरा चैनल वो क्रिएट हो गया है। आप देख सकते हैं फैक्ट संसार नाम से मेरा चैनल क्रिएट हो गया है, नो सब्सक्राइबर नो वीडियोस करके दिखा रहा है। अब मुझे क्या करना है वो मेन बात है। अब मेरा ये चैनल क्रिएट हो गया है, अब मुझे अपने चैनल्स की एक सही सेटिंग्स करनी है, जो कि आपके चैनल को एक सही तरीके से ग्रो करने में हेल्प करता है। क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे कहते नहीं है कि अगर आपको जैसे किसी कोई एग्जाम है, वो एग्जाम निकालना है, तो सबसे पहले क्या है, आपको सही से तैयारी तो करनी पड़ेगी, आपको मैथ आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो वैसे आपका चैनल ग्रो करे उसके पहले जो उसकी सेटिंग्स हैं बेसिक, वो पता होनी चाहिए, वो आपको करके रखनी पड़ेगी। तो कैसे करना है, इसके लिए मैं बैक जाता हूं, वो सेटिंग करने के लिए मैं क्रोम में चला जाता हूं। तब आपको अपने मोबाइल फोन में यहां क्रोम में आ जाना है। तो मैं यहां पर क्रोम पर आ चुका हूं। अब मुझे क्या सर्च करना है, मैं पहले यहां पर सर्च करूंगा, ध्यान से देखिएगा, m.youtube.com मैं अपने मोबाइल में यहां पर सर्च कर लूंगा, m.youtube.com आपको अपने यहां पर सर्च करना है। अब यह सर्च करने के बाद क्या आपको आगे स्टेप लेना है, मैं आपको बताता हूं। ये पहले ओपन हो जाने देते हैं, नेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा स्लो ओपन हो रहा है। पहले मैं m.youtube.com सर्च करके जब खोल लूंगा, तो यहां पर मुझे एकदम जो दिख रहा है चैनल का लोगो, इसको मुझे इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहां पर जाने के बाद मुझे स्विच अकाउंट दिख रहा है, मुझे पर चले जाना है। स्विच अकाउंट पर जाने के बाद मैंने जो अभी चैनल क्रिएट किया उस पर आ जाना है। जैसे मेरा मैंने अभी चैनल किया क्रिएट किया, मैं यहां पर आ जाता हूं और मैं यहां पर देखता हूं फैक्ट संसार नाम से मैंने चैनल क्रिएट किया है, मैं उस पर लॉगिन कर लेता हूं, उस पर क्लिक करूंगा तो मेरा फैक्ट संसार वाला चैनल लॉगिन हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा फैक्ट संसार वाला चैनल आ चुका है। अब मैं इसको यहां से कैंसिल कर लूंगा, कैंसिल करके फिर से एक न्यू टैब लूंगा। न्यू टैब लेने के बाद यहां पर मैं क्या सर्च करूंगा, क्रिएटर, ध्यान से देखिएगा, क्रिएटर स्टूडियो, creator.studio.com मुझे यहां पर सर्च कर लेना है, ठीक है, ठीक है, creator.studio.com सर्च कर लेना है। अब इससे क्या होगा, मेरा डेस्कटॉप के अंदर स्टूडियो में खुल जाएगा, जो मेरा मोबाइल का मतलब जो मेरा चैनल है, यहां पर वो स्टूडियो यहां पर ओपन हो जाएगा। तो ये मेरा ओपन हो रहा है, ओपन हो जाने दीजिए, जैसे देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। यहां पर मुझे बोल रहा है वेलकम टू YouTube स्टूडियो, जब आप एक नए चैनल का YouTube स्टूडियो ओपन करते हैं तो ऐसे ही दिखता है। तो इसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा और इसे मैं सिंपली क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब आपको ऐसे ही सिंपली दिखेगा यहां पर पूरा, ये आपको अभी फंक्शन का पॉपअप दिख रहा है, ठीक है, ये आपको ऐसे दिखेगा। अब आपको क्या करना है, पहला नंबर है अगर आपको अपने चैनल पर लोगो लगाना है, बैनर लगाना है, तो उसके लिए आपको यहां पर जाना है। सेटिंग्स मैं आगे बताने वाला हूं, वीडियो पूरा देखिएगा। यहां पर मैं जाऊंगा, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, मैं इस पर कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करूंगा, मैंने यहां पर क्लिक कर लिया है। आप देख सकते हैं यहां पर आ चुका है मेरा, यहां पर चैनल ट्रेलर करके है, ब्रांडिंग है, बेसिक इन्फो है। तो चैनल ट्रेलर अगर आप लगाना चाहे लगा दें, ये सब कोई जरूरी नहीं है। यहां पर मैं सिंपली ब्रांडिंग पर आ जाता हूं। अब ब्रांडिंग का मतलब है कि आप अपने चैनल को ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए यूनिक आपको क्या करना होगा, यहां आप देख सकते हैं पिक्चर, ये मेरा प्रोफाइल पिक्चर होगा, जो कि मुझे जो लोगो बनाना है अपने चैनल का नाम से रिलेटेड, वो मैं बनाकर यहां पर अपलोड कर दूंगा। यहां पर बैनर इमेज करके है, तो जो बैनर होगा उसको मैं बनाकर यहां पर अपलोड कर दूंगा। वाटर मार्क अगर आपको वीडियो के अंदर लगाना है, तो यहां पर आप अपलोड करके, अपलोड पर क्लिक करके लगा दीजिएगा। तो ये करके आपको सिंपली सेव कर लेना है। और यहां पर बेसिक इन्फो पर अगर आप जाएंगे, बेसिक इन्फो में आप अपना नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, हैंडल चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि आपका चैनल किससे रिलेटेड है, वो सब आप यहां पर लिखकर सिंपली अपना ईमेल एड्रेस डालकर अपना सेव कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, आप अपना डाल सकते हैं। जैसे मुझे अगर डालना है डिस्क्रिप्शन में, तो भैया मैं डाल दूंगा इतना ही, दिस इज फैक्ट चैनल, दिस इज फैक्ट चैनल, मैं इतना ही लिख देता हूं। आपको जो लिखना है आप आराम से लिख दीजिएगा, दिस इज फैक्ट चैनल लिख देना है। और लिखकर मैं यहां पर सिंपली यहां पर पब्लिश पर क्लिक कर देता हूं, तो ये मेरा दिस इज फैक्ट चैनल मेरे डिस्क्रिप्शन में अब ऐड हो जाएगा, ये मेरा हो चुका है। अब मैं यहां पर आपको मेन जो बताने के लिए वीडियो पर हूं, सेटिंग्स, कि आपको जब आप शॉर्ट चैनल बनाते हैं तो क्या क्या सेटिंग्स करनी है। तो उसके लिए आपको एकदम ये नीचे चला जाना है, ये सेटिंग वाला आपको छोटा सा आइकॉन दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है सेटिंग्स पर। अब आप देख सकते हैं ये सेटिंग खुलकर आ चुका है आपके सामने। इसमें आपको क्या करना है, चैनल जो आपको दिख रहा है सेटिंग्स के अंदर, आप देख सकते हैं ये चैनल्स दिख रहा है, आपको इसको चैनल्स पर क्लिक कर लेना है। तो मैंने चैनल पर क्लिक किया, यहां पर बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग और फीचर एलिजिबिलिटी तीन ऑप्शन दे रहा है। तो यहां पर मैं चला जाऊंगा पहले फीचर एलिजिबिलिटी में। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आपको आगे बताने वाला। फीचर एलिजिबिलिटी में चले जाना है, पहला आप देख सकते हैं अनेबल है स्टैंडर्ड फीचर में, दूसरा है इंटरमीडिएट फीचर, ये अभी एलिजिबल नहीं है, तीसरा है एडवांस फीचर, ये भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये भी ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ऊपर वाला जो है वो मेरा ग्रीन में दिख रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं
ये किस लिए है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं आप देख सकते हैं यहां पर वीडियो लॉन्गर देन 50 मिनट इसको अपलोड करने के लिए, कस्टमाइजेशन थंबनेल अपलोड करने के लिए आपको यहां पर अगर इसको एलिजिबल करना है तो यहां पर वेरीफाई फोन नंबर करना होगा। और यहां पर अगर आप एडवांस सेटिंग में आएंगे तो एडवांस सेटिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपका अनेबल हो जाता है। जब आप दो चार वीडियो डाल देते हैं तो अपने ऑटोमेटिक अनेबल हो जाता है, इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन सेकंड नंबर आपको करना होगा अगर आप थंबनेल वगैरह लगाना चाहते हैं या फिर 15 मिनट से बड़ा वीडियो डालना चाहते हैं तो, या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो। इसके लिए मैं यहां पर वेरीफाई फोन नंबर पर सिंपली क्लिक कर दूंगा। तो मैंने यहां पर वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं मैं यहां पर क्रोम पर आ जाता हूं, फिर से यहां मेरा क्रोम मांग रहा है तो मैं यहां पर क्रोम पर आ जाता हूं वेरीफाई फोन नंबर पर। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अभी ये ओपन हो रहा है, ओपन हो चुका है। अब यहां पर आपको फोन नंबर वेरीफाई करना होगा तब वो दूसरा वाला यहां पर अनेबल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्री हमारा इंडिया पहले से ऑलरेडी सिलेक्ट है, यहां पर मुझे फोन नंबर डालकर गेट कोड पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल लेना है, वेरीफाई होते ही वो हमारा अनेबल हो जाएगा। बस इतना ही प्रोसेस है बस, तो उसको आप कर लीजिएगा आराम से, एकदम सिंपल प्रोसेस है। अब मैं यहां से चला आता हूं अपने यहां चैनल वाले सेटिंग्स में, क्योंकि मैं आपको यहां पर सेटिंग बताने वाला हूं। तो इसको आप कर लेंगे तो वेरीफाई फोन नंबर जैसे ही आप करेंगे ये आपका एलिजिबल जो है यहां पर ब्लैक दिख रहा है वो अपना ग्रीन हो जाएगा, यानी आपको एलिजिबल हो जाएंगे आप यहां पर, आप अपना थंबनेल वगैरह लगाने के लिए। अब मेन आती है सेटिंग की बात जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसके लिए आपको यहां पर चले जाना है बेसिक इन्फो, ये आप काम करने के बाद आपको क्या करना है बेसिक इन्फो पर चले आना है। बेसिक इन्फो आने पर आपको मेन सेटिंग अब यहीं से स्टार्ट होती है। आप ध्यान दीजिएगा मैं लॉन्ग चैनल जैसे नहीं बताऊंगा, यहां लॉन्ग और शॉर्ट्स में आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मैं यहां पर आपको शॉर्ट्स चैनल बनाने के लिए क्या क्या कीवर्ड्स डालने हैं, क्या सेटिंग्स करनी है, सारा मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर देखता हूं कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ये मुझे सिलेक्ट करना होगा कि आप कहां के रहने वाले हैं, क्योंकि भैया जब आप वीडियो डालेंगे तो हम आपका वीडियो किसके पास भेजेंगे, चाइना में, नेपाल में, बांग्लादेश में, ऐसे जगह भेज देंगे जहां हिंदी नहीं चलती है। जैसे अगर चाइना में भेज दिया तो आपका वीडियो देखेगा कौन, जब देखेगा नहीं तो व्यूज कहां से आएगा, वायरल कहां से जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आप कहां के रहने वाले हैं ये सिलेक्ट करिए, जिससे वहां के ऑडियंस को दिखाया जाए आपका वीडियो। तो मैं यहां पर चला जाता हूं, यहां पर जाने के बाद अपना प्यारा इंडिया कहां पर है, अपना प्यारा इंडिया यहां पर है, तो मैं यहां पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। आप जिस भी कंट्री के हैं सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अब मेन खेल आता है कीवर्ड्स का। भैया कीवर्ड मेन खेल है, क्योंकि कीवर्ड से ही पता चलता है कि आपका चैनल क्या है, किस कैटेगरी का है, शॉर्ट्स है या फिर लॉन्ग है, क्या कंटेंट डाला जाता है। जब तक ये कंफर्म नहीं होगा तो भैया ये समझ लीजिए आपका कोई मतलब नहीं है वीडियो डालने का। जब तक ये आप कीवर्ड सही नहीं डालेंगे तो आप काम करते रहिए, अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते रहिए, डालते रहिए, यूट्यूब समझ नहीं पाएगा कि आपका क्या कंटेंट है, किस टाइप का आपका चैनल है, और आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो मेन कीवर्ड्स का खेल होता है। अब कीवर्ड में क्या डालना है, पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, आपको पहला कीवर्ड डालना है अपने चैनल का नाम। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर मैंने नया चैनल बनाया लेकिन मेरा चैनल सर्च में नहीं आ रहा है। तो आप लोग गलती जो करते हैं कीवर्ड सही से नहीं डालते हैं, जिस वजह से नहीं आता है। कीवर्ड्स क्या डालना है, आपको सबसे पहले अपने चैनल का नाम डालना है। तो मेरा चैनल क्या है भैया, मेरे चैनल का नाम है फैक्ट संसार, ठीक है। तो मैंने यहां पर मैंने फैक्ट संसार टाइप किया कीवर्ड्स, और ये तीर वाला जो आइकॉन दिख रहा है इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरा एक कीवर्ड बन गया फैक्ट संसार, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम 500 यहां पर लेटर्स के आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं। तो मैंने एक पहला डाल दिया फैक्ट संसार। अब मेरा चैनल कोई ये भी सर्च कर सकता है, पहला नंबर है कोई सर्च करेगा फैक्ट संसार, या फिर कोई सर्च करेगा फैक्ट संसार चैनल, क्योंकि भैया जैसे आप कैरी मिनाटी चैनल भी कोई सर्च कर सकता है, वैसे आपका चैनल जब आगे बड़ा होगा क्या पता आप अगले कैरी मिनाटी हो, क्या पता आप अगले टॉप यूट्यूबर इंडिया के हो। तो इसीलिए कोई ये भी सर्च कर सकता है फैक्ट संसार चैनल। तो मैं यहां पर लिख दूंगा अपने चैनल का नाम फैक्ट संसार चैनल, ठीक है, ये मैंने लिखा और ये मेरा दूसरा कीवर्ड हो गया। अब भैया ये भी तो कोई सर्च कर सकता है फैक्ट संसार यूट्यूब चैनल। अब मैं ये सब क्यों डाल रहा हूं ध्यान दीजिएगा, जिससे आपका चैनल सर्च में आए, जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सर्च में नहीं आ रहा है। तो यहां पर मैं डाल दूंगा फैक्ट संसार यूट्यूब चैनल, ये मैंने डाल दिया, ठीक है, ये मेरा हो गया तीसरा कीवर्ड। अब आपको क्या करना है, अगर आपके चैनल का नाम दो वर्ड्स में है, जैसे मेरा चैनल का नाम दो वर्ड में है, फैक्ट अलग है संसार अलग है, तीन वर्ड में है तो तीन, चार वर्ड में है तो चार, अब मेरा दो वर्ड में है तो दोनों को अलग अलग लिख देना है। जैसे मैं पहले लिखूंगा फैक्ट और दूसरा मैं लिखूंगा यहां पर संसार, ये देख सकते हैं फैक्ट संसार मेरे दो कीवर्ड्स हो गए, फैक्ट अलग संसार अलग, ये मेरे चैनल्स वाला सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी बात आती है कि भैया चैनल सर्च करने से अब तो आ जाएगा, चैनल सर्च करने से आ जाएगा, अब मेन ये है कि यूट्यूब को पता तो होना चाहिए भैया मेरा लॉन्ग चैनल है या फिर शॉर्ट्स का है। तो उसके लिए आपको ऐसे कीवर्ड्स डालने हैं जो शॉर्ट्स चैनल के होते हैं। तो क्या डालना है आपको यहां पर आपको डालना है शॉर्ट्स, पहला कीवर्ड शॉर्ट्स, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे लोग सर्च करते हैं YouTube पर शॉर्ट्स। अब शॉर्ट्स उन्होंने सर्च किया, आपका चैनल आपका कंटेंट वहां सर्च में जाए, लोग देखें, इसके लिए आपको अपने चैनल कीवर्ड्स में डालना है पहला नंबर शॉर्ट्स, दूसरा नंबर आपको डालना है यहां पर शॉर्ट्स चैनल दूसरा, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद आपको कीवर्ड्स क्या डालना है, आपको सेम ऐसे ही कीवर्ड्स डालने हैं, आपका किसी भी कैटेगरी का शॉर्ट्स चैनल हो सेम जो मैं डाल रहा हूं आपको डालना है, बस स्टार्ट में जो आपके चैनल का नाम है वो आपको अपने हिसाब से जो चैनल का नाम है वो डाल लेना है। अब जो मैं अभी डाल रहा हूं शॉर्ट्स और शॉर्ट्स चैनल, ये सब आपको किसी भी कैटेगरी का है डालते रहना है, ठीक है। शॉर्ट्स चैनल, YouTube Shorts ये आपको डाल देना है। अब मेरा YouTube Shorts हो गया, अब मैं यहां पर डालूंगा YouTube Shorts Video ये मैं डालूंगा। अब मैं यहां पर डालूंगा इसके आगे Shorts Video, ये मेरे सारे कीवर्ड्स। आपको लग रहा होगा इसका क्या मतलब है, तो भैया इसका मतलब आपके एल्गोरिथम से है, जो YouTube का एल्गोरिथम होता है वो आपके चैनल को पिक करके कैसे आपके वीडियो को वायरल करेगा वो उसका सब खेल है। तो यहां पर मैंने Shorts Video डाल दिया। अब हमको क्या डालना है, शॉर्ट्स हो गया, शॉर्ट्स वीडियो हो गया, यहां पर मुझे यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो हो गया है। यहां पर आप सुनते होंगे कोई कोई शॉर्ट वीडियो सर्च करता है, शॉर्ट सर्च करता है, शॉर्ट्स नहीं शॉर्ट, तो मैं यहां पर डाल दूंगा शॉर्ट, ये मैंने शॉर्ट में डाल दिया, ठीक है, ये मेरा शॉर्ट हो गया। अब मैं कोई कोई सर्च करता है शॉर्ट वीडियो, ये मैंने यहां पर डाल दिया एक अलग कीवर्ड, ठीक है, ये मेरा अलग एक कीवर्ड हो गया है। एक मिनट, थोड़ा लग रहा है इसको थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा बैक हल्का सा, ठीक सकते हैं, ये सकते हैं, ये मेरा शॉर्ट वीडियो एक कीवर्ड हो गया, ठीक है, शॉर्ट वीडियो एक कीवर्ड हो गया। अब यहां पर कोई ये भी तो सर्च कर सकता है भैया कि शॉर्ट चैनल, कोई ये भी तो सर्च कर सकता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सॉरी यहां पर मैं आ जाता हूं, यहां पर मैं लिख दूंगा शॉर्ट चैनल, ठीक है, ये मेरा शॉर्ट वीडियो हो गया। अब मैं यहां पर लिख दूंगा शॉर्ट चैनल, शॉर्ट चैनल, ठीक है, ये मेरा शॉर्ट चैनल। ये जो मैं कीवर्ड्स डाल रहा हूं इससे YouTube को पता चलेगा कि ये एक शॉर्ट्स का चैनल है, इतना आपको डाल लेना है, आपका किसी भी कैटेगरी का शॉर्ट्स चैनल है। अब आपको तीसरा क्या काम करना है, पहला आपका चैनल का जो नेम था उसका हिसाब से आपने डाल लिया सर्च में आए, दूसरा आपका शॉर्ट्स का चैनल है, ये कैसे पता चलेगा YouTube को, उसके लिए आपने कीवर्ड्स डाल लिया। अब तीसरा है कि आपका किस कैटेगरी का चैनल है, YouTube किस ऑडियंस के पास भेजे। अब आपने शॉर्ट्स वीडियो डाल दिया, पता चला कोई कॉमेडी का रोस्टिंग का शॉर्ट्स वीडियो मेरे पास आ गया, मैं नहीं देखूंगा क्योंकि मुझे नहीं पसंद है रोस्टिंग का वीडियो, तो सही ऑडियंस के पास भेजने के लिए पता तो होना चाहिए YouTube को कि आपका किस कैटेगरी का चैनल है, तो उसके लिए आपको अपने कैटेगरी से रिलेटेड कीवर्ड्स डालने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरा फैक्ट का ये चैनल है, तो मुझे क्या पता है कि मैं यहां पर क्या डालूंगा, फैक्ट वीडियो डालूंगा, तो पहले मैं लिखूंगा यहां पर फैक्ट वीडियो, और मुझे पता है मैं क्या डालूंगा, फैक्ट का शॉर्ट डालूंगा, तो मैं यहां पर लिख लूंगा फैक्ट शॉर्ट्स। आपको जो भी आपका चैनल है, चैनल निश के हिसाब से आपको ये आप कीवर्ड्स डालने हैं। जैसे आपका ब्लॉग का चैनल है तो ब्लॉग वीडियो, ब्लॉग शॉर्ट्स, कॉमेडी का है तो कॉमेडी वीडियो, कॉमेडी शॉर्ट्स, कुकिंग का है तो कुकिंग वीडियो, कुकिंग शॉर्ट्स, ऐसे करके आपने जो भी चैनल कैटेगरी है उस हिसाब से आपको डाल लेना है। तो मैं यहां पर डाल दिया जैसे फैक्ट शॉर्ट्स, अब मैं यहां पर डालूंगा फैक्ट शॉर्ट्स वीडियो। अब कोई ये भी सर्च कर सकता है फैक्ट शॉर्ट, क्योंकि सब शॉर्ट्स ही नहीं सर्च करते, कोई शॉर्ट करके भी सर्च करता है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा फैक्ट शॉर्ट मैंने लिख लिया। अब कोई ये भी सर्च कर सकता है फैक्ट शॉर्ट वीडियो, तो मैं यहां पर लिख दूंगा फैक्ट शॉर्ट वीडियो, ये मैंने डाल दिया फैक्ट शॉर्ट वीडियो, ये वीडियो थोड़ा गलत हो गया, फैक्ट शॉर्ट वीडियो, ठीक है, ये फैक्ट शॉर्ट वीडियो, ये मेरा हो गया। अब भैया फैक्ट के अंदर, जैसे आपके ब्लॉग के अंदर आप क्या दिखाने वाले हैं, विलेज ब्लॉग, विलेज के जो लोग हैं जैसे विलेजर्स डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग, ये सब दिखाना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे फैक्ट के अंदर क्या कीवर्ड्स होते हैं भैया, मिस्टीरियस फैक्ट आप दिखा सकते हैं, तो मैं यहां पर लिखूंगा मिस्टीरियस फैक्ट, ठीक है, मिस्टीरियस फैक्ट, ये मैंने लिख दिया। अब भैया मैं यहां पर हॉरर फैक्ट भी दिखा सकता हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा हॉरर फैक्ट, ठीक है, हॉरर फैक्ट। अब भैया मैं यहां पर स्टोरी भी बताऊंगा, फैक्ट वाली स्टोरी भी डालते हैं, तो स्टोरी फैक्ट। स्टोरी का शॉर्ट्स भी कोई सर्च कर सकता है, स्टोरी शॉर्ट्स, ये हो गया, ठीक है। अब कोई ये भी भैया कि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी फैक्ट बताऊं, तो मैं यहां पर लिख दूंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैक्ट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो आपका जिस भी कैटेगरी का चैनल है उसके अंदर आप क्या कंटेंट देना चाहते हैं, जैसे आप ब्लॉग का है तो मैं भैया गांव का ब्लॉग दूंगा, तो विलेज ब्लॉग, विलेजर्स ब्लॉग, देसी ब्लॉग, देसी लाइफ स्टाइल ब्लॉग, विलेज लाइफ स्टाइल ब्लॉग, ये कीवर्ड्स होते हैं जो आप डाल सकते हैं। तो ऐसे ही आपको चैनल के अंदर, जैसे कुकिंग का है, कुकिंग के अंदर आप क्या मेनली बताएंगे कि भैया मतलब डेली रेसिपी,
और क्या कहते हैं आपका जो भी खाने से रिलेटेड मैक्सिमम जो रेसिपी है उनका नाम, ये सब आप यहां पर डाल सकते हैं। तो ये मैंने फैक्ट के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैक्ट ये सब मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल सकता हूं जैसे यहां पर हॉरर शॉर्ट्स वीडियो, ये भी मैं डाल के अपना एक कीवर्ड्स बना सकता हूं, ये मेरा बन चुका है। तो ऐसे ऐसे करके आपको अपने कैटेगरी से रिलेटेड जो भी मतलब है कीवर्ड्स वो डाल लेने हैं। अब जैसे फैक्ट के अंदर इतने मैक्सिमम सही हैं, इतना डाल लेना है। अब ये सब डालने के बाद मेरा ये हो गया है कीवर्ड्स, मैंने ये डाल लिया है, ठीक है। ये डालने के बाद जैसे मैं यहां पर चला जाता हूं, ये मेरा हो चुका है। यहां पर मैंने बेसिक इन्फो के अंदर अपना कंट्री सेलेक्ट कर लिया, यहां पर मैंने कीवर्ड्स डाल लिए हैं। अब मैं एडवांस सेटिंग पर आऊंगा, तो एडवांस सेटिंग पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर आई वॉन्ट टू रिव्यू द सेटिंग फॉर इब्री वीडियो, इस पर मेरा सिलेक्ट है, मुझे इसी पर रहने देना है, ठीक है। यहां पर जाने के बाद यहां पर जो भी है ये सारा कुछ जो भी है यहां पर ऐसे ही आपको पूरा सेटिंग ऐसे ही रहने देना है, कुछ भी इसमें छेड़खानी नहीं करनी है। और यहां पर जाने के बाद आपका बेसिक इन्फो में जाएंगे तो आपने सारा कीवर्ड्स डाल लिया है। ये डालने के बाद आपको सिंपली यहां पर सेव पर क्लिक कर देना है। ये सेव पर क्लिक हो गया है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग बाकी है। तो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि बार बार आप चैनल्स का वीडियो नहीं देखेंगे। एक बार बना लिए चैनल फिर आपको जाना दिमाग लगाकर बस काम करने पर फोकस करना पड़े, इस पर नहीं भैया मेरा सेटिंग सही है या फिर नहीं है। क्योंकि आप लोग यही बोलते हैं सर मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं, मेरा चैनल देख लीजिए सेटिंग सही है या फिर नहीं। तो वो सेटिंग आप ही देख सकते हैं सही है या नहीं, आप इस वीडियो से कंपेयर करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं फिर से सेटिंग वाले आइकॉन पर जाऊंगा क्योंकि मैं दूसरा सेटिंग करने वाला हूं। तो मैं यहां पर सेटिंग वाले पर आइकॉन पर चला जाता हूं, ठीक है। इस पर मैं चला गया, अब मैं यहां पर मेरा चैनल्स वाले सेटिंग पर मैं जाऊंगा, चैनल्स पर मैं जाऊंगा। तो चैनल वाला मेरा जो भी कीवर्ड्स वगैरह है सारा कुछ मैंने डाल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरा चैनल्स का हो चुका है। अब मैं नीचे वाले पर आऊंगा, अपलोड डिफॉल्ट वाले में चला जाऊंगा, अपलोड डिफॉल्ट में मैं चला आता हूं, ठीक है। अब यहां पर जो आपको सेटिंग है वो करनी है क्योंकि चैनल वाला आपने सारा कुछ कर लिया है। अब यहां पर अपलोड डिफॉल्ट की सेटिंग करनी है। यहां पर आपको टाइटल दिख रहा है, टाइटल में कुछ नहीं छेड़खानी करना है। अब अपलोड डिफॉल्ट का मतलब क्या है पहले मैं ये समझा दूं कि जो यहां पर आप चीजें सेट करेंगे वो आपको डिफॉल्ट तौर पर हर एक वीडियो में सेट हो जाएगा। अब आपको यहां पर वो चीजें वर्ड्स डालने हैं, कीवर्ड्स डालने हैं, हैशटैग्स डालने हैं, टैग्स डालने हैं जो ऑटोमेटिक आपके वीडियो में लग जाए क्योंकि वो जरूरी होती हैं। तो शॉर्ट्स वीडियो के लिए क्या जरूरी कीवर्ड्स हैं, क्या टैग्स जरूरी हैं, वो मैं आपको यहीं पर डलवा देता हूं, ठीक है। तो टाइटल में कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देना है जो कि हर एक वीडियो के लिए जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको पहले डाल लेना है हैशटैग शॉर्ट्स, ये आपको डाल लेना है। किसी भी कैटेगरी का चैनल हो, कैटेगरी नहीं मैटर करता, आपको ये डाल लेना है, ठीक है। पहला, दूसरे कीवर्ड्स की बात करें तो यहां पर आपको डाल लेना है यूट्यूब शॉर्ट्स, दूसरा आपको ये डाल लेना है, ठीक है। अब बात करें तीसरे कीवर्ड को लेकर, शॉर्ट्स हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, इसके बाद हो गया यहां पर शॉर्ट्स वीडियो, ये वाला शॉर्ट्स वीडियो, ये तीन कीवर्ड्स डालिए। चौथा अपने चैनल का नेम डाल लीजिए जो आपके चैनल का नाम हो, जैसे मेरे चैनल का नाम है फैक्ट संसार, तो मैंने यहां पर फैक्ट संसार ये मैंने चैनल का नाम डाल लिया चौथा, ठीक है, चार हो गया। अब आपके चैनल का कैटेगरी क्या है, पांचवा यहां पर हैशटैग वो होना चाहिए। तो पांचवा हैशटैग मेरे चैनल के कैटेगरी भैया क्या है, मैं फैक्ट यहां पर डालूंगा तो फैक्ट मैंने डाल लिया। अब आपका ब्लॉग है तो ब्लॉग डाल लीजिए, ब्लॉग वीडियो है आपका जो भी है, कुकिंग का है तो कुकिंग डाल दीजिए अपना, यहां पर पांचवा हैशटैग ये लगा दीजिए। ये आपको हैशटैग लगा देने हैं, इसके अलावा जो और हैशटैग रहेंगे वो आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग अलग से लगा दीजिएगा, इतना बाय डिफॉल्ट रहना जरूरी है। अब आपका जिस कैटेगरी का चैनल है यहां पर पांचवा हैशटैग आप, जैसे मैंने फैक्ट डाल लिया है, आपका कुकिंग है तो हैशटैग कुकिंग, हैशटैग ब्लॉग जो भी है आप डाल लीजिएगा, हैशटैग कॉमेडी अपना डाल लीजिएगा, ठीक है। ये आपको कर लेना है। यहां पर आप नीचे आएंगे तो विजिबिलिटी में कोई छेड़खानी नहीं करना है, यहां पर आप जा जाइए तो टैग्स दिया गया है। अब टैग्स में भी जो जरूरी नेसेसरी कीवर्ड्स हैं वो आपको डाल लेने हैं, किसी भी कैटेगरी का आपका चैनल है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो पहला नंबर आपको यहां पर डाल लेना है शॉर्ट्स, दूसरा आपको डाल लेना है शॉर्ट्स वीडियो, ये शॉर्ट्स वीडियो ये मेरा गलत हो गया है, मेरा ये मैंने डाल लिया शॉर्ट्स वीडियो, ये मैंने डाल लिया। अब तीसरा आपको डालना है क्या, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये आपको डाल लेना है यूट्यूब शॉर्ट्स, ये आपको डाल लेना है। अब यहां पर चौथा, यहां पर आपको टैग डालना है आपके चैनल का नाम, तो मेरे चैनल का नाम है फैक्ट संसार, जो भी आपके चैनल का नाम है वो आप डाल लीजिए, ये मेरा चौथा हो गया कीवर्ड, ठीक। अब मेरा किस टाइप का वीडियो है, फैक्ट का है तो मैं यहां पर डालूंगा फैक्ट, ठीक है, फैक्ट मैंने डाल लिया। आपका जिसकी कैटेगरी का चैनल है वो आप कैटेगरी नेम डाल दीजिए। अब मेरा फैक्ट शॉर्ट्स भी है क्योंकि भैया मैं शॉर्ट्स वीडियो फैक्ट का बनाऊंगा तो मैं फैक्ट शॉर्ट्स लिख दूंगा, फैक्ट शॉर्ट्स, और इसके बाद मैं फैक्ट शॉर्ट्स वीडियो ये भी लिखूंगा क्योंकि भैया ये भी लोग सर्च करेंगे फैक्ट शॉर्ट्स वीडियो, ये मैंने यहां पर डाल दिया। और यहां पर
एक मैं डाल दूंगा फैक्ट का, क्या मैंने बोला है, लोग सर्च करते हैं शॉर्ट भी सर्च करते हैं, तो फैक्ट शॉर्ट मैं यहां पर लिख दूंगा फैक्ट शॉर्ट, और मैंने यहां पर क्लिक कर दिया, ये मेरा कीवर्ड्स बन चुका है। इतने आपको अपने टैग्स के अंदर डाल लेने हैं, ये मैंने बेसिक इन्फो के अंदर इतना डाल लिया है, इतना ही आपको डालना है और कोई छेड़खानी नहीं करनी है। फिर आप चले आइए यहां पर एडवांस सेटिंग के अंदर। अब एडवांस सेटिंग के अंदर जब आप अपलोड डिफॉल्ट्स के आएंगे तो यहां भी आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। क्या करनी है मैं आपको बताता हूं। लाइसेंस में यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस लिखा है, इसको रहने देना है। यहां पर कैटेगरी लिखा है, ये सबसे मेन पॉइंट है, ये आप जो देख सकते हैं कैटेगरी, ये मेरे सबसे मेन पॉइंट है। तो आपका चैनल किस कैटेगरी से रिलेटेड है वो आपको सही से डालना है। अब आपको कैटेगरी नहीं पता कि कौन सी मेरे चैनल की कैटेगरी है, तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर वीडियो है कि कौन सा वीडियो किस कैटेगरी में आता है। तो जैसे मैं फैक्ट वीडियो बना रहा हूं, तो भैया मेरा फैक्ट किस पे आएगा, फैक्ट वीडियो आता है एजुकेशन के अंदर। अब मैं स्टोरी टाइप का वीडियो बनाऊंगा तो एंटरटेनमेंट में आ जाएगा, कॉमेडी बनाऊंगा एंटरटेनमेंट में आ जाएगा, रोस्टिंग बनाऊंगा एंटरटेनमेंट में आ जाएगा, ब्लॉग्स बनाऊंगा तो पीपल एंड ब्लॉग्स में आ जाएगा। तो जिस भी कुकिंग जैसे बनाऊंगा हाउ टू एंड स्टाइल में भी आप डाल सकते हैं, या फिर पीपल एंड ब्लॉग्स भी बहुत सारे लोग डालते हैं, तीन दोनों में आप डाल सकते हैं। तो मेरा फैक्ट का है तो मैंने यहां पर कैटेगरी एजुकेशन रख ली है। अगर आपको नहीं पता आपका किसका कैटेगरी का चैनल है तो आप जाकर मेरा वीडियो देखिएगा, चैनल पर है, सर्च मारिएगा कि मतलब कि अपने वीडियो की कौन सी कैटेगरी रखें, मेरे चैनल का नाम डाल दीजिएगा, मिल जाएगा, या फिर जाकर आप वीडियो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर मेरा फैक्ट है तो फैक्ट वाले एजुकेशन रखेंगे, स्टोरी वाले एंटरटेनमेंट मैंने सबका लगभग बता ही दिया है, ब्लॉग वाले पीपल एंड ब्लॉग्स, और इसके बाद कुकिंग वाले हाउ टू एंड स्टाइल या फिर पीपल एंड ब्लॉग्स रख सकते हैं, और इसके बाद अपना अगर आप एंटरटेनमेंट आपका कॉमेडी और रोस्टिंग करते हैं तो एंटरटेनमेंट रख सकते हैं, ये आप अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। और डांस वाले भी अपना डाल सकते हैं एंटरटेनमेंट ही, ये आपने डाल लिया। यहां पर अब मेन आपको दिख रहा है वीडियो लैंग्वेज, ये मेन खेल है, क्योंकि आपका वीडियो किस लैंग्वेज में है उसी हिसाब से ऑडियंस के पास तो भेजेगा, तो ये भी सिलेक्ट करना जरूरी है। तो वीडियो लैंग्वेज मेरा क्या रहेगा, हिंदी रहेगा, तो यहां पर आपको चले जाना है, जो भी आपका वीडियो लैंग्वेज हो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने हिंदी पर, मैं यहां पर चला जाता हूं, हिंदी कहां है, मैं GH पर आ गया, हिंदी और हिंदी लैटिन है दो, तो हिंदी पर मैं यहां पर चला जाता हूं, हिंदी मैंने वीडियो लैंग्वेज अपना हिंदी सिलेक्ट कर लिया है। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज ये आपको कोई सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर कमेंट्स में होल्ड पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यू ये आपको रहने देना है। यहां पर सो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक द वीडियो ये भी आपको रहने देना है। ये सब करने के बाद आपको सिंपली यहां पर सेव पर क्लिक कर लेना है, ये आपको सेव पर क्लिक कर लेना है। और सेव पर क्लिक करने के बाद फिर से मैं एक बार ये सेटिंग वाले आइकॉन पर चला जाऊंगा। सेटिंग वाले आइकॉन पर जाने के बाद यहां पर आपका चैनल्स वाला पूरा सेटिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं चैनल्स का मैंने पहले करा दिया कीवर्ड्स डलवाकर, अपलोड डिफॉल्ट्स का मैंने अभी करवा दिया, परमिशन कम्युनिटी और एग्रीमेंट यहां पर आपको कोई भी सेटिंग में कोई भी छिड़खानी नहीं करनी है। और ये आपका जो जर्नल में USD डॉलर दिख रहा है इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं यहां से क्लोज सेव करने के बाद। तो ये सारी थी शॉर्ट्स चैनल बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट सेटिंग इंपॉर्टेंट कीवर्ड ये सारे हैं, मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया है। अब ऐसा करने के बाद मेरा ये चैनल एकदम फुल्ली एकदम रेडी हो चुका है, शॉर्ट्स चैनल बन चुका है मेरा, बस अपना लोगो वगैरह बैनर वगैरह लगाना चाहूं तो लगा दूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लगाएंगे तब पर भी वीडियो डालिए, आराम से आपका शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स फीड में जाएगा, जो सही कैटेगरी के जो व्यूवर्स हैं उनके पास यूट्यूब भेजेगा, क्योंकि एल्गोरिथम के हिसाब से आपका शॉर्ट्स चैनल एकदम बढ़िया से बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आपको बताई हैं। और एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है इन सब चीज़ों में, कि आपको एक सही आदमी सही तरीके से सही चीज़ें सिखा रहा हो। और एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे ऊपर नहीं भरोसा तो ये प्ले बटन्स, ये जो नीचे रखे हुए प्ले बटन्स हैं, ये मुझे ऐसे ही नहीं मिले हैं, ये मैंने सब अपने सब्सक्राइबर कंप्लीट किए, 1 लाख 1 मिलियन ये सब कंप्लीट किए तब मुझे मिले हैं। और मैंने कंप्लीट कैसे किए, जब मेरे वीडियो वायरल गए, और वीडियो वायरल कब गए, जब मेरे चैनल एक सही तरीके से बना तभी तो वायरल गए। तो वो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से सारा कुछ बता दिया है, कैसे चैनल बनाना है, क्या क्या सेटिंग्स करना है, सब समझा दिया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया हूं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। और साथ ही अभी तक इस चैनल पर आप लोग नए और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको क्या करना है, लाल बटन जो सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिख रहा है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे यूनिक और ढांसू कॉन्टेंट लेकर आता हूं जो अगर आप डेली देखेंगे और फॉलो करेंगे, शॉर्ट चैनल लॉन्ग चैनल दोनों पर आप बहुत बड़ी ग्रोथ हासिल करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। साथ ही अपने भाई को अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।